डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह पुलिस अधीक्षक यातायात व संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता सिंह द्वारा संयुक्त रूप से जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल खोराबार में स्कूल के बसों का फिटनेस चेक किया गया, जिसमें 13 बसें मानक के विपरीत थी, परंतु बच्चों की संख्या कम होने के कारण रोड पर नहीं चल रही थी। उनकी भी फिटनेस पूर्ण कराने हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं MD को निर्देशित किया गया और बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत स्कूल के बस ड्राइवरों को ब्रीफ करते हुए बताया गया कि सभी ड्राइवर अपने अपने आंखों के जांच करवा लें और बसों में निर्धारित सीट के अनुसार ही बच्चों को बैठाएं और बस चलाते समय बस का दरवाजा बंद हो और यह सुनिश्चित कर लें कि कोई भी बच्चा दरवाजे के पास खड़ा ना हो और बीच सड़क पर बस को रोककर बच्चों को ना उतारे। बच्चों को यदि उतारना है तो बस को रोड के किनारे सेफ जगह पर रोककर ही बच्चों को उतारे और बच्चों को बस में चलते समय खिड़की से झांकने ना दे एवं बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि रखते हुए सुरक्षित ड्राइविंग करें। इसकी जानकारी देते हुए RTO अनीता सिंह ने बताया कि CM योगी का स्पष्ट निर्देश है कि सभी स्कूलों में संचालित वाहनों को बिना फिटनेस के ना संचालित किया जाए। इसी के अनुपालन में सभी स्कूलों के संचालकों से अपील करते हुए RTO अनीता सिंह ने कहा कि फिटनेस फेल वाहनों का अधिकतम 2 सप्ताह के भीतर फिटनेस करा ले और बिना फिटनेस की वाहनों को मार्ग पर संचालित ना करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से टेलीफोन पर बात करते हुए संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता सिंह ने कहा, डायरेक्ट की बात है कि कोई स्कूल टीचर के साथ में रहते होंगे गाड़ी में, माननीय मुख्यमंत्री जी के ये बहुत ही कड़े निर्देश थे कि सभी स्कूलों की जो बसें चल रही हैं या स्कूलों में जो वाहन चल रही हैं वो 100% फिटनेस से आच्छादित हों। उसके क्रम में लगातार 3-4 महीनों से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और सभी स्कूलों पे नोटिस भी दी जा चुकी है कि जो गाड़ियां आपकी फिटनेस नहीं है उनको फिटनेस करा लीजिए। साथ में हमने अखबार में ये नोटिस भी दी थी कि जिनकी फिटनेस नहीं कराई थी जिन्होंने 3 महीने में, तो हमने उनका निरस्त कर भी दिया था। उस क्रम में आज जब स्कूल खुल रहे हैं और बच्चे ला रहे हैं और स्कूल वाले रिस्क ले रहे हैं, तो उस क्रम में हम RTO गोरखपुर और SP ट्रैफिक, इन दोनों ने एक ज्वाइंट वेंचर के रूप में GD गोयनका स्कूल में हम गए थे। वहां के MD से और उनके प्रिंसिपल से मिलकर ये हम लोगों ने रिक्वेस्ट की कि भाई 1 वीक के अंदर अगर आपने अपनी गाड़ियां का जो डिफॉल्टर्स हैं उसका अगर फिटनेस नहीं कराया तो हम लोग एनफोर्स करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उसी क्रम में मैंने अपने कुछ अधिकारियों को कई स्कूल बांट दिए थे। हमारे ARTO प्रथम जो इन्फोर्समेंट में है और PTO, वो भी 2-2, 3-3 स्कूलों में जाके उन्होंने फिटनेस के लिए उनको जागरूक किया। मेरी उन स्कूल वालों से थोड़ी सी गुजारिश है जिनकी वाहन अभी अनफिट है, तो कृपया शीघ्र से शीघ्र आके ऑफिस में गाड़ियों के फिटनेस करा लें। अदरवाइज जब रोड पे कार्यवाही होगी तो फिर बच्चों को भी दिक्कत होगी, स्कूल को भी दिक्कत होगी और पेरेंट्स को भी दिक्कत होगी। तो ये मेरी गुजारिश है कि जितनी जल्दी अगर इसकी फिटनेस हो जाएगी उतना ही अच्छा होगा। शुक्रिया।